गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जानदार होंगे, एकदम मस्त होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राईस्टार क्लासेस। ट्राईस्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था। ग्राम समाज एवं विकास में हम लोगों को चैप्टर चल रहा था उत्तर प्रदेश कृषि व्यवस्था। इसमें आज हम लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ना था। नया इसी में टॉपिक आ गया था हमारा मिट्टी। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? मिट्टी। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइए आपको एक बार दिखा देते हैं स्लाइड के माध्यम से। हम लोगों ने कल पढ़ा था उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति दो चरणों में हुई, कैसे सफल रही, पहले चरण में किस चीज पे सफल रही, दूसरे चरण में किस चीज में सफल रही। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। ठीक है, इस राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से किसान लोग कैसे लाभान्वित हुए, कैसे उनको लाभ मिला, ये पढ़ा हम लोगों ने। राज्य की नई कृषि प्रणाली क्या है, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई कृषि प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हम लोगों ने पढ़ा। कृषि जलवायु प्रदेश कैसा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु को 9 भागों में बांटा गया था वो हमने पढ़ा। 9 भाग कौन कौन से थे? भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदानी भाग, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान प्रदेश, विंध्य प्रदेश। आज इसी क्रम पे हमारा एक इसी में टॉपिक है मिट्टी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर चार तरह की मिट्टी दिखाई गई है, ठीक है, तो मिट्टी ही हमारा टॉपिक है, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मिट्टी होती क्या है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा, मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर छोटे मोटे कंकड़ होते हैं या बारीक से कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर जो हमको परत मिलती है उसे चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। तो मिट्टी की डेफिनेशन क्या हुई, परिभाषा क्या हुई? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की मिट्टी अधिक उपजाऊ मानी जाती है। क्यों? हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निरंतर निक्षेपण से उत्तरी भारत के मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। उत्तरी भागों के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निरंतर निक्षेपण से उत्तरी भारत के मैदानी भागों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मृदा में, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में खनिज मिनरल्स, जैव पदार्थ, जल एवं वायु के अलावा अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाश्म भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में खनिज भी होता है, जैव पदार्थ भी होता है, जल एवं वायु के अलावा साथ साथ छोटे से जीवाश्म में भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को मुख्यतः तीन भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे पहला कांप मिट्टी, दूसरा मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी, तीसरा रेतीली मिट्टी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कांप मिट्टी, मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। काप मिट्टी किसे कहते हैं? इस मिट्टी का निर्माण गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा
लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण, कांप मिट्टी का निर्माण गंगा, यमुना और उसकी सहायक यानी की ट्रिब्यूटरीज नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ मानी जाती है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। मेरी बात को आप ध्यान रखेंगे, कांप मिट्टी का निर्माण गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यह मिट्टी अधिक फर्टाइल मानी जाती है, अधिक उपजाऊ मानी जाती है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है। आइए, पहला जैसे कि बांगर, दूसरा खादर, तीसरा ऊसर भूमि। बांगर क्या है, इसे पुरातन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। बांगर को पुरातन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। गंगा यमुना क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। बांगर का विस्तार गंगा यमुना क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इसे पुरातन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ऐसे क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। ओके, यमुना गंगा के यमुना क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। तो बांगर मिट्टी वहां पर पाई जाती जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। बांगर मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। बांगर मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। लंबे समय से कृषि उपयोग में प्रयुक्त होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है। इसलिए ऐसी मृदा में उर्वरक का इस्तेमाल करने पर ही खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा को परिक्षेत्री मृदा भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बांगर मिट्टी हमने आपको बताया कि इसको पुरातन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। गंगा यमुना के क्षेत्र में इसका विस्तार ज्यादा पाया जाता है। बांगर मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। लंबे समय से इसका कृषि में उपयोग होने के कारण इसकी फर्टिलाइजेशन शक्ति कम हो गई है। इसलिए ऐसी मृदा में उर्वरक का इस्तेमाल करने पर ही खेती की जाती है। और जलोढ़ मिट्टी को परिक्षेत्री मृदा भी कहते हैं। ठीक है जी। अगला खादर। खादर ऐसी मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है। खादर यानी कि ऐसी मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी निरंतर पहुंचता रहता है। जहां बाढ़ का पानी क्या होगा, निरंतर पहुंचता रहता है, अर्थात बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। जहां बाढ़ का पानी लगातार पहुंचता रहता है, ऐसी खादर मृदा वहां पर पाई जाती है। इसे नवीनतम जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। खादर को नवीनतम जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन वाले लाइन में पूछ लेता है कि नवीनतम जलोढ़ के नाम से जाने जाने वाली मिट्टी खादर, बांगर, ऊसर पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे खादर। इस मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांश की अधिकता मिलती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखेंगे, खादर ऐसी मिट्टी का निर्माण होता है जहाँ पे बाढ़ का पानी लगातार पहुंचता रहता है। इस मृदा में चूना होता है, पोटैश होता है, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। खरीफ फसलों के उत्पादन के लिए यह मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऊसर भूमि। ऊसर भूमि क्या है, ऊसर भूमि मृदा इस प्रकार की मृदा का स्वरूप क्षारीय या लवणीय होता है। इसे क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे रेह, बंजर एवं कल्लन, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। रेह हो गया, बंजर एवं कल्लन। भारत के उत्तर पश्चिम मैदानी भागों में अथवा तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। तो ऊसर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ये सिर्फ कहाँ पाई जाती है, उत्तर पश्चिम मैदानी भागों में या फिर कोस्टल एरियाज में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है जी सर। आगे बढ़ेंगे, मिश्रित लाल मृदा।
मिश्रित लाल मिट्टी, राज्य में मिश्रित लाल मिट्टी निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है। अब देखिए, ऐसे ऐसे मिट्टी के नाम है आपने सुने नहीं होंगे। मिश्रित लाल मृदा, राज्य में मिश्रित लाल मृदा यानी कि मिक्सचर रेड सॉइल निम्नलिखित रूपों में पाई जाती है। जैसे कि पहला लाल मृदा है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी दक्षिणी इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी जिलों में विस्तृत रूपों में क्या होती है बच्चों, पाई जाती है। लाल मिट्टी, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी दक्षिणी इलाहाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी जिलों में विस्तृत रूपों में पाई जाती है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना पत्थर एवं जीवाश्म का पूर्णतया अभाव रहता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, चूना पत्थर का एवं जीवाश्म का पूर्णतया अभाव रहता है। इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं, चना, तिल एवं दलहन की फसलें विशिष्ट रूप से उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना पत्थर एवं जीवाश्म का पूरी तरह से अभाव रहता है, कमी रहती है। तो इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं, चना, तिल एवं दलहन की फसलें विशिष्ट रूप से उगाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आती है पड़वा मृदा। पड़वा मृदा, पड़वा मृदा उत्तर प्रदेश में यह मिट्टी मुख्य रूप से यमुना नदी घाटी के ऊपरी जिलों में, विशेषकर हमीरपुर एवं जालौन जिलों में पाई जाती है। पड़वा मृदा ज्यादातर यमुना नदी घाटी के ऊपरी जिलों में जैसे कि हमीरपुर एवं जालौन जिलों में पाई जाती है। पड़वा मृदा में जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। पड़वा मिट्टी में क्या होता है, जैव तत्वों यानी कि बायोटिक एलिमेंट्स की कमी पाई जाती है। इस तरह प्रकार से यहाँ पे ज्वार एवं चना का उत्पादन अधिक किया जाता है। देखते होंगे हमीरपुर जालौन क्षेत्र में क्या होता है, वहां पे चना और ज्वार, जौ का क्या होता है, ज्यादा वहां पे उत्पादकता की जाती है पड़वा मृदा पे। नेक्स्ट आता है राकड़ मृदा। राकड़ मृदा इस प्रकार की मृदा का रंग लाल होता है। जब मिश्रित लाल है तो रंग कैसा होगा, लाल होगा, जो मुख्यतः ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। राकड़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है, ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में भी जैव तत्वों की क्या होती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में तिल एवं चने की फसलें विशेष रूप से बोई जाती है। राकड़ मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का रंग लाल होता है जो मुख्यतः ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में भी जैव तत्वों की कमी हो जाती है। इस प्रकार की मृदा में तिल एवं चने की फसलें विशेष रूप से बोई जाती हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं माड़ मृदा या काली मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का रंग काला होता है। जब काली मृदा है, काली मिट्टी है, तो रंग भी कैसा होगा, काला होगा। नाम से ही काला है तो काला है, इसे काली मिट्टी कहते हैं। इसका रंग काला होता है। सामान्य रूप से इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल को नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी विशेष रूप से पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी विशेष रूप से पाई जाती है। और काली मृदा का रंग काला होता है, इसलिए इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। नॉर्मली इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल में सिलिकेट की मात्रा 60%, लोहा की मात्रा 15%, एल्युमिनियम की मात्रा 25% पाई जाती है। इसे स्थानीय तौर पर करेल या कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपास, गन्ना एवं ज्वार उत्पादन हेतु यह मृदा उपयुक्त होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम यही पूछ लेता है कि ब्लैक सॉइल में सिलिकेट की मात्रा कितनी होती है, ध्यान रखेंगे 60%। लोहा की मात्रा कितनी होती है, 15%। एल्युमिनियम की मात्रा कितनी होती है,
25%। पोंटा मृदा राज्य के मिर्जापुर जिले में पाई जाती है। पोंटा मिट्टी राज्य के मिर्जापुर जिले में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना पत्थर एवं जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है। गेहूं, चना एवं दलहन फसलों के उत्पादन हेतु यह मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जी बच्चों, तो पोंटा मिट्टी राज्य के मिर्जापुर जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना पत्थर एवं जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है। अधिकांश अभी हमने जो अभी तक पढ़ा, हम यही देखते चले जा रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा सभी में क्या है, कम पाई जा रही है। इसलिए यहाँ के उत्पादन में सबसे ज्यादा गेहूं, चना और दलहन यानी कि दाल जैसी फसलों के उत्पादन के लिए यह मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। नेक्स्ट आता है भोंटा क्या क्या नहीं है मिट्टी बताओ भैया। विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस मिट्टी में मोटे अनाजों का उत्पादन अधिक होता है। मोटे अनाजों का उत्पादन अधिक होता है भोंटा मृदा में। राज्य में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले में मिलता है। इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार, भोंटा मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में मिलता है। इसमें होता क्या है कि मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है इस मिट्टी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी अपरदन। मृदा के सतही भाग का जल एवं वायु द्वारा कटने या बहने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। मिट्टी के सरफेस भाग का जल और यानी कि एयर और वाटर द्वारा कटने से या बहने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन की घटना प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों हैं और दोनों से मृदा को व्यापक क्षति पहुंचती है। इससे दोनों को नुकसान तो ही, कस के आंधी आ गई तो मिट्टी वगैरह क्या होती, जमीन की उड़ा ले जाती है। ज्यादा पानी बरस गया तो सारी मिट्टी क्या होती बच्चों, बह जाती है। तो मृदा के सतही भाग का वाटर एवं एयर के से द्वारा कटने या बहने की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सर, इससे फिर होता क्या है, मृदा की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। जब सारी मिट्टी हवा पानी में कट के बह गई जब, तो क्या होगा फिर, क्या पलटा, इसकी पलटाइल कैपेसिटी बनी रहेगी, बिल्कुल नहीं। मृदा अपरदन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित करने का कारण है कि या तो वायु से उसका सॉइल इरोजन होगा यानी कि एयर से इरोजन होगा, या फिर उसका वाटर से इरोजन होगा सॉइल का, ठीक है जी। वायु अपरदन क्या है, ब्यूफोर्ट स्केल्स के अनुसार तेज हवा की गति 30 मील प्रति घंटा होती है तथा आंधी की गति 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है, तो इससे वायु अपरदन तीव्र गति से होगा। तो ब्यूफोर्ट स्केल्स के अकॉर्डिंग ये है कि तेज हवा की स्पीड यदि 30 मील प्रति घंटा होती है तथा आंधी की गति 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है, इससे वायु अपरदन बहुत तेज गति से होता है, ठीक है। अगला है जलीय अपरदन। इसमें मृदा के कणों का अपरदन या कटाव जलीय बहाव के कारण होता है। मिट्टी के पार्टिकल्स का अपरदन या कटाव जलीय बहाव के कारण होता है। पानी का जो बहाव होता है उसके कारण जलीय अपरदन होता है। बलुई मृदा का कटाव सबसे तेजी से होता है। जलीय अपरदन में बालुई मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा कटाव उसी से होता है। वनों की अनियंत्रित कटाई, अनियंत्रित चराई, अनियंत्रित जुताई एवं तीव्र वर्षा एवं बाढ़ के कारण जलीय अपरदन तेजी से होता है। यानी कि जंगलों की कटाई कर देंगे पेड़ों की, जंगलों की चराई करवा देंगे, अनियंत्रित जुताई करवा देंगे या ज्यादा तेज वर्षा आ गई, इन सब के कारण से क्या होता है, जलीय अपरदन तेजी से होता है, ठीक है। बिल्कुल, जलीय अपरदन के कारण मिट्टी के ऊपरी आवरण का कटाव हो जाता है। इसके साथ ही मृदा का उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। प्रदेश में जलीय अपरदन एक गंभीर समस्या है। राज्य का चंबल एवं यमुना अपवाह क्षेत्र इटावा जालौन अवनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है। जैसा कि
राज्य का चंबल और यमुना अपवाह क्षेत्र इटावा जालौन अब नालका अपरदन से अधिक प्रभावित है। जलीय अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य का चंबल और यमुना अपवाह, ठीक है, ये क्षेत्र ज्यादा कुछ इससे क्या है प्रभावित है बच्चों, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का बच्चों ग्रामीण परिवेश का सेशन, जिसमें हमने पढ़ा मिट्टी, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, उत्तर प्रदेश में फसलों के लिए कौन कौन सी मिट्टी यूजफुल होती है, कौन मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद हम लोगों ने सॉइल इरोजन पढ़ा, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपरदन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, वायु और हवा के द्वारा। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा। चलिए इस सेशन को मेरे प्यारे बच्चों यहीं से क्लोज करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होती है एक नए जोश, नए उमंग के साथ, नए चैप्टर के साथ। कल फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए तब तक बने रहिए बच्चों, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, राधे राधे, गुड इवनिंग।